दोस्तों, यदि आप भी अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको सब कुछ लाइव अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सब कुछ आप इजीली से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद कोने में जो थ्री लाइन दिख रहा है, हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, तो हम सेटिंग को यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और सेटिंग को क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक डीएक्टिवेट अकाउंट और एक डिलीट अकाउंट। तो आपको डिलीट अकाउंट के सामने जो एक बिंदा सा दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है डिलीट अकाउंट को। और डिलीट अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट को क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट अकाउंट का, तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड अगर नहीं भी पता हो तो आप पासवर्ड के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे। और जैसे ही पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नीचे पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको यहाँ से इसे फेसबुक को क्लिक कर लेना है, आपका पासवर्ड दिख रहा है तो आप इसे यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये पासवर्ड ले लेगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, इसे करने के बाद ये ले लेगा पासवर्ड ऑटोमेटिक और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा और हमें इसे एक महीने तक ओपन नहीं करना है। एक महीने तक जब हम इसे ओपन नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। और यदि हम एक महीना से पहले इसे दोबारा से ओपन किए तो ये हमारा अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल से फेसबुक को परमानेंट के लिए अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि जब हमारे अकाउंट में हमारे मोबाइल में फेसबुक नहीं रहेगा तो हम इसे ओपन भी नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे मोबाइल से परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऐप मैनेजमेंट का, तो हम ऐप मैनेजमेंट को क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा फेसबुक कहाँ पे है, तो हम फेसबुक को यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अनइंस्टॉल का, तो हम यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से हमारे मोबाइल से फेसबुक परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा और गूगल से भी डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।